क्योंकि आजकल कल्पना करना बड़ा दुर्भर हो गया है। जाहिर है कि आज जन संचार के जो माध्यम हैं, जन मानस की प्रमुख आवश्यकता हो गई। आज हम जन संचार के बिना कोई भी कार्य नहीं कर सकते। जैसा कि कल भी मैंने वीडियो में आपको बताया था कि जन संचार, जन जन तक अपनी बात को पहुंचाना या वहां तक पहुंचना, अब आज जन संचार के माध्यम से इतने कार्य आसान हो गए कि हम दूर दराज के क्षेत्रों में बैठी हुई कोई भी जानकारी ले सकते हैं और यहाँ की जानकारी दे सकते हैं। आज लोग जन संचार के माध्यम से इतना प्रभावित हो गए हैं कि अपने जीवन के अनेक महत्वपूर्ण जो निर्णय होते हैं वो उन्हीं के आधार पर लेते हैं। परंतु एक सिक्के के दो पहलू हमेशा होते हैं। ये तो कहावत आपने भी सुनी होगी कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब अर्थ मानने वाले पर निर्भर करता है कि वो उनका अर्थ कैसे निकालता है। दो सिक्के के पहलू की भांति आज जन संचार के माध्यम लोगों पर जहाँ अच्छा प्रभाव डालते हैं तो वहाँ पर बुरा प्रभाव भी पड़ता है। कुछ सोच उनकी सकारात्मक होती है तो कुछ सोच उनकी बुरे प्रभाव की वजह से नकारात्मक हो जाती है। यही आज हम देखते हैं तो समाज में दोनों प्रकार का जो संचार के प्रभाव है वो आम जनमानस पर पड़े हुए हैं। जो लोग इसका अच्छा उपयोग करते हैं तो आपको पता है कि वो अपने काम के अंदर दुरुस्त होते हैं, अपने कामों को आगे बढ़ाते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, सर्विस हो, स्टडी हो या फिर कोई सोशल वर्क हो, किसी भी प्रकार से वो जन संचार के माध्यम से अपने को इतना चुस्त और फुर्त रखता है कि किसी भी समय के लिए उसके पास सोचने का समय नहीं है। अगर इतना सोचने का समय होता तो दो चार लोग आपस में बैठकर इन बातों के ऊपर अपना वार्तालाप करके डिस्कशन कर लेते। लेकिन आज जन संचार के माध्यम से उस दूर दराज के क्षेत्रों में क्या हो रहा है, लोग वहाँ से एक मिनट में ही संचार के माध्यम से पता कर लेते हैं। या फिर उसकी रूपरेखा कैसे बनाई जाती है, उसकी भूमिका कैसे अदा की जाती है, उसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन पर मिल करके सोच करके काम किया जा सके, अपने काम को आगे बढ़ाया जा सके। अब जन संचार के माध्यमों के जो अच्छे प्रभाव हैं यानी कि जिनको हम सुप्रभाव बोलते हैं, जन संचार के माध्यम लोगों को विभिन्न विषयों की जानकारी देता है। वो जानकारी अभी मैंने जैसा बताई है कि समाज के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में या फिर शिक्षा के क्षेत्र में कौन का व्यक्ति कौन किस प्रकार का कार्य कर रहा है, हम यहाँ पर अनेक विषयों की जानकारी लेते हैं। लोगों के मनोरंजन, ज्ञानवर्धन, पर्यटन, शिक्षा, विज्ञापन, पर्यावरण, खेल कूद, अध्यात्म का प्रमुख साधन। अब आप देखिए मनोरंजन के अनेक साधन हैं। आप बॉम्बे के अंदर, मद्रास के अंदर बैठे हुए मैच का सीधा प्रसारण देखते हैं, आप पूरा लुत्फ उठाते हैं, पूरा आनंद लेते हैं। फिर ज्ञानवर्धन, ऐसी बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें नेट के ऊपर होती हैं जहाँ से आप उनको आसानी से उठा सकते हैं। उठाने के बाद आप अपनी जो ज्ञानवर्धन होता है अपनी नॉलेज को इंक्रीज करते हैं। फिर आता है पर्यटन। पर्यटन के क्षेत्र में भी ऐसा ही है, यदि आप कहीं पर्यटन रूप में जा रहे हैं, कोई पर्यटन का क्षेत्र आपको देखना है, आप वहाँ जा रहे हैं, तो आप ऑनलाइन अपनी टिकट बुक करवा सकते हैं, ऑनलाइन अपने होटल्स बुक करवा सकते हैं और अनेक प्रकार की सुविधाएँ आपको वहाँ पर मिल जाती हैं। यदि पर्यटन के क्षेत्र में भी आज व्यक्ति को जाकर का अपनी गाड़ी को पार्किंग करने के लिए भी सोचना नहीं पड़ता। जैसे वो वहाँ पर अपने किसी पसंदीदा प्लेस को, होटल को बुक करते हैं तो वहीं पर सभी सुविधाएं अवेलेबल हो जाती हैं। उसके बाद है शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में भी आज हमारा जो जन संचार है वो बहुत तरक्की कर रहा है। आप देखते हैं कि नेट के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में हर रोज प्रतिदिन नए नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, शिक्षा के क्षेत्र में जाकर आप कोई भी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं, चाहे आप इंजीनियर बने, वकील बने, डॉक्टर बने, अगर कुछ भी बनना आपका है तो वो नेट के द्वारा आप आसानी से उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपके जो एडमिट कार्ड है वो भी डाउनलोड किए जाते हैं। हमें जो प्रवेश पत्र होता था, रोल नंबर, वो भी हमें लेने के लिए शिक्षा संस्थान में जाना पड़ता था, आज सब कुछ घर बैठे हुए प्राप्त किया जा सकता है। फिर विज्ञापन है, आप अपनी बात को बहुत सारे लोगों तक देना चाहते हैं कि मेरी बात को बहुत सारे लोग सुने,
बहुत सारे लोग देखें, उससे प्रभावित हों। आपने कोई कंपनी लगाई है, कोई फैक्ट्री लगाई है, या फिर आपने कोई और अपना ऐसा कोई सेटअप किया है, आप उसका विज्ञापन दे सकते हैं। विज्ञापन में सारे कि हमारे साथ हजारों करोड़ों लोगों का जुड़ना संभव हो जाता है। फिर आता है पर्यावरण। पर्यावरण के बारे में अनेक जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, बहुत सारे ऐसी पैदावार होती हैं खेती के बारे में, पौधों के बारे में, कि हर प्रकार की आपको पर्यावरण, नदियों की सफाई है, नदियों का रख रखाव संरक्षण है, पौधों से लगाव है, संरक्षण है, खेती बचाओ, मृदा बचाओ, बहुत सारे ऐसे हैं जो हम नेट पर भी ले सकते हैं। फिर खेल कूद के माध्यम से, खेल कूद में भी आप प्रत्येक खेल कूद के बारे में जनसंचार से अपनी जानकारी ले सकते हैं। किस समय आप कोई भी खेल ले लीजिए, किस समय एडमिशन होगा, किस टाइम ट्रायल होगी, किस टाइम हमें टीम के साथ जाना है, हमारी टीम कहाँ कहाँ से है, उनका सारा डाटा आपको नेट पर मिल जाता है। फिर अध्यात्म का क्षेत्र भी ऐसा ही है। अध्यात्मिक आप किस क्षेत्र में अपने को सर्वोपरि बनाना चाहते हैं, कहाँ पर जाएंगे, अध्यात्म का क्षेत्र भी ऐसा है, आपको कहाँ किस जगह पर जाना है। हमारे बहुत सारे तीर्थ स्थलों पर कौन से पे जाना है, वहाँ पर कितना टाइम लगेगा, किस रास्ते से जाना है, ये सब कुछ आपको नेट पर उपलब्ध हो जाता है। तो ये हमारे प्रमुख साधन है। नंबर 3 है लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने में इसकी महत्वपूर्ण। हमारा देश जो है एक लोकतांत्रिक देश, इसको मजबूत बनाना भी हम जनमानस का काम है। और जनमानस का काम है कि जब एक व्यक्ति अपने अधिकार को कायम रखते हुए हम लोकतंत्र के हवन में अपनी आहुति डालते हैं, यानी कि वो हमारे लिए सर्वोपरि होता है। हम कहते भी हैं कि राष्ट्रीय सर्वोपरि होता है। हम लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है उसको मजबूत बनाते हैं। जनसंचार के माध्यम लोगों को जड़ता का मार्ग छोड़कर सक्रिय करें। जो व्यक्ति बिल्कुल मान लीजिए कि सुस्त होते हैं, किसी काम को करने के लिए उनके अंदर कोई लगन, कोई इच्छा नहीं होती, तो जनसंचार एक ऐसा माध्यम है। जब हम किसी व्यक्ति की न्यूज पढ़ते हैं या टीवी वगैरह पर देखते हैं, तो हमारे अंदर भी एक उत्तेजित एक्साइटमेंट होती है, हम उत्तेजित हो जाते हैं कि जब ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो इसका है कि जनसंचार हमें जो हमारी जड़ता है, हमारा आलसीपन है, उसको हटाकर यदि व्यक्ति के अंदर कुछ करने की चाहत है तो वो आलसीपन छोड़कर अपने को फुर्तीला एक्टिव बना सकता है, यानी कि समाज के अंदर भी वो अपनी सक्रियता की भागीदारी निभाएगा, क्योंकि जनसंचार उसको प्रेरणा दे रहा है। फिर है जनसंचार के माध्यम न सिर्फ सरकार के कामकाज की निगरानी करते हैं, बल्कि सरकार के गलत फैसलों के खिलाफ भी आवाज उठाते हैं। अब देखिए हमारा देश लोकतंत्र का देश है, यहाँ की जो सरकार है वो जनता की, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है। अगर सरकार कोई अच्छा काम करती है तो लोग उसकी वाह करते हैं, यदि सरकार कोई बुरा कर देती है, कोई गलत कार्य कर देती है, तो आम जनमानस उसके प्रति अपनी आवाज उठा देता है। और उठाने का मतलब ये है कि जैसे अब लोकतांत्रिक देश के अंदर कुछ काम ऐसे हो जाते हैं कि व्यक्ति अपने लिए सोचता है, न कि दूसरे के लिए, तो उसमें क्या होता है कि जैसे भी अब लोकतंत्र में आपने अनेक प्रकार के ऐसे मुद्दे चल जाते हैं जिसमें व्यक्ति बड़ा परेशान होता है, तो यहाँ पर भी व्यक्ति अपनी सरकार के कामों पर निगरानी रखता है, यानी कि जन संचार जो होता है। उसके बाद जन संचार के माध्यम मनोरंजन के साथ साथ विकास का संदेश बड़े सार्थक ढंग से लोगों तक पहुँचाते हैं। अब मनोरंजन, अभी जैसे पहले मैंने कहा है कि मनोरंजन के अनेक साधन हैं, वो हर व्यक्ति स्वतंत्र भारत में बिल्कुल आ जाता है, वो किसी भी प्रकार से मनोरंजन कर सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि वो दूसरे के कहने के अनुसार ही करेगा। तो मनोरंजन के साथ साथ विकास का संदेश बड़े सार्थक ढंग से, जो लोग मनोरंजन करते हैं वहाँ पर जो विकास है, विकास के जो कार्य हो रहे हैं उनका बड़े सार्थक ढंग से लुत्फ उठा सकता है, यानी कि आनंद उठा सकता है, और उसकी जो अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं वो लोगों तक पहुँचाता रहता है। जनसंचार के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। अब देखिए आजकल नेट के ऊपर, टीवी के ऊपर, समाचार पत्रों में इस प्रकार की अनेक बातें आती हैं जिनमें हर रोज लोगों को कुछ ना कुछ जानने की एक इच्छा रहती है, ललायक रहते हैं। सुबह सुबह उठते ही लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर के अंदर पूरा खबरें कहाँ पर क्या घटित हो रहा है, कौन अच्छा कौन बुरा, सभी चीज़ें ये आपको जागरूक करती हैं। अब ये तो थे जनसंचार के सुप्रभाव।
सामाजिक व्यवहार को प्रोत्साहित करने में अगुवा की भूमिका निभाई है। अब देखिए सिनेमा लोग देखते हैं, सिनेमा के अंदर आपको पता है कि कहते भी हैं कि जब तक विलियन ना हो तब फिल्म का मजा नहीं लिया जा सकता, लेकिन क्या है कि जो वो प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं उसी को वो व्यवहारिक जीवन में अपनाने की पूरी कोशिश करते हैं। और जब ये घटना थोड़ी थोड़ी होते हुए एक स्टेप से दूसरा स्टेप ऐसे बढ़ जाती है तो लोगों के अंदर ये भावना बढ़ जाती है, यानी कि हिंसात्मक स्थिति पैदा हो जाती है। फिर आते हैं अश्लीलता। अब आपने ये देखा है कि हर रोज जन संचार के माध्यमों से विदेशी संस्कृति को परोसा जा रहा है, अश्लीलता बढ़ रही है, किसी को किसी रिश्तों को तार तार कर रहा है, कभी कभी घटना घट रही है ऐसी, ये सभी लोगों के अंदर एक को खत्म कर दिया गया है। असामाजिक व्यवहार को प्रोत्साहित करता है। अब समाज के अंदर कुछ अच्छे काम होते हैं तो सारा समाज उनकी बहुत तारीफ करता है, लेकिन जब इस प्रकार की जो फिल्में वगैरह देखते हैं तो उनसे समाज के अंदर अनेक प्रकार के लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि आना जाना, खेलना कूदना, उठना बैठना तक पाबंदी हो जाती है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के खून का प्यासा हो जाता है। उसके बाद कुछ जनसंचार माध्यम राष्ट्र हित की अपेक्षा अपने व्यवसायिक हितों को ध्यान में रखकर ये कार्यक्रमों का प्रसारण करते हुए लोगों का बुरा प्रभाव होता है। हाँ, ये बात सही है कि कुछ लोग अपने कामकाज को बढ़ाने के लिए, अपने व्यवसायों को बढ़ाने के लिए, अधिक से अधिक धन कमाने के लिए राष्ट्रीय हित की अपेक्षा कर देते हैं। और जब भी पता है कि राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है, यदि राष्ट्र है तो हम हैं और हम हैं तो राष्ट्र, लेकिन राष्ट्र को ही लोग ज़्यादातर चूना लगा देते हैं, उसकी अपेक्षा करते हैं। व्यवसायिक हितों को ध्यान में रखकर जिन कार्यक्रमों का प्रसारण आप एक क्या करते हैं कि व्यवसायिक हित को ध्यान में रखकर कुछ ऐसे कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है जिस प्रसारण के माध्यम से वो व्यक्ति अपने व्यवसाय को आगे बढ़ जाता है और ये लोगों पर बुरा प्रभाव डालता है। यहाँ पर लोगों के अंदर कौन सी प्रवृत्ति जागती है कि जब ये इतना कुछ कर सकता है तो नहीं होना था, उसके लिए उसको कोई गलत रास्ता अपनाना पड़ जाए तो उसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उन लोगों पर इन माध्यमों का बहुत प्रभाव पड़ता है जो किसी चीज़ के प्रति अप्रतिबद्ध या अनिश्चय में होते हैं। जिन व्यक्तियों के पास अंदरूनी निश्चितता नहीं होती, वो निश्चित नहीं होते और क्या करते हैं, माध्यमों की उनके पास कमी होती है, तो ये देखकर